नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आइए 7 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कोरोना के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस समय दुनिया में 13,35,000 से ज़्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, 74,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है और USA तीसरा ऐसा देश बन गया है जहाँ पर 10,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है। बात करते हैं अपने देश भारत की, तो यहाँ पर 5,000 का आंकड़ा लगभग एक दिनों में पार कर जाएगा भारत इन्फेक्टेड व्यक्तियों की संख्या में, और वहीं पर भारत में कुल 136 व्यक्तियों की डेथ हुई है। और हम लोग यही प्रार्थना और दुआ करेंगे कि भारत की स्थिति USA, स्पेन और इटली जैसी तो बिल्कुल भी ना हो। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं डेली क्विज के साथ में आज के करंट अफेयर की। तो आज क्विज में कुल 15 प्रश्न हैं और कितने आपने सही किए ईमानदारी के साथ में वह आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, महामारी विज्ञान जिसे हम इपिडेमियोलॉजी के नाम से जानते हैं, इसके जनक यानी कि इसके पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इपिडेमियोलॉजी के जनक के रूप में जाना जाता है जॉन स्नो को। ये थे इंग्लैंड के, और जो 1854 में लंदन में कॉलरा फैला था उसके बारे में इन्होंने ही पता लगाया था, क्योंकि उस समय तक ये मान्यता थी कि कॉलरा मुख्य रूप से हवा से फैलता है, लेकिन बाद में इन्होंने बताया कि जो संक्रमित जल था उसके कारण कॉलरा नाम की डिसीज फैली थी, और इसी के कारण इन्हें फादर ऑफ द एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला, इसका थीम राज्य कौन सा था? तो ध्यान रखिएगा, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में इसका आयोजन किया जाता है और इस बार का थीम राज्य था हिमाचल प्रदेश। और वहीं पर अगर आपसे थीम कंट्री के बारे में पूछा जाए तो थीम कंट्री थी इस बार की उज्बेकिस्तान, और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इंटरसेप्टर बोट C-448 किस कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है? तो फरवरी माह में इसे स्थापित किया गया था मंगलोर में। कहां पर? मंगलोर में इसको स्थापित किया गया था, और इसका निर्माण किया है लार्सन एंड टोब्रो कंपनी ने। किसने? लार्सन एंड टोब्रो कंपनी ने इसका निर्माण किया है। लार्सन एंड टोब्रो कंपनी ने वज्र तोप का भी निर्माण किया है, और इसी के द्वारा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी किया जाएगा। RBI द्वारा मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मौद्रिक नीति समिति के रूप के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई थी जनक राज्य की। किसकी? जनक राज्य की। दो नाम आपको RBI से और याद रखने हैं, एक तो है BP कानूनगो का, जिन्हें अभी एक वर्ष के लिए पुनः उप गवर्नर नियुक्त किया गया है, और एक नाम है माइकल देवव्रत पात्रा का, इन्हें RBI का उप गवर्नर जनवरी माह में ही नियुक्त किया गया था। दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र या मेडिटेशन सेंटर का निर्माण किस शहर में हुआ? तो इसका निर्माण हुआ है हैदराबाद में। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, और हैदराबाद में ही अमेजन ने दुनिया का अपना सबसे बड़ा कैंपस भी खोला था। बायो एशिया का भी आयोजन हैदराबाद में हुआ था, और सबसे बड़ा ग्रामीण लोगों का जो प्रोग्राम है अंतः प्रज्ञा, उसका आयोजन भी हुआ था हैदराबाद में। बायो एशिया नहीं, इसका नाम था, हाँ बायो एशिया ही नाम था, जिसकी थीम थी टुडे फॉर टुमारो। संप्रीति सैन्याभ्यास 2020 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो संप्रीति सैन्याभ्यास है ये हम करते हैं बांग्लादेश के साथ में, और इस वर्ष फरवरी माह में इसका आयोजन किया गया मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में इसका आयोजन किया गया। गुलमकई, ये फिल्म आधारित है मलाला यूसुफ जई के जीवन पर, जिन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के क्षेत्र में, और सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार ये विजेता हैं। तो इन्हीं के ऊपर फिल्म बन रही है गुलमकई। तो इसके निर्देशक कौन है? इसके निर्देशक हैं अमजद खान। कौन है? अमजद खान। गणतंत्र दिवस के समापन पर किस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है? तो गणतंत्र दिवस का पूरा प्रोग्राम चलता है अपने यहाँ लगभग 5 से 6 दिनों का, और इसमें जो समापन समारोह होता है उसे हम लोग जानते हैं बीटिंग द रिट्रीट के नाम से। तो ध्यान रखिएगा, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि गणतंत्र दिवस के समापन का जो कार्यक्रम होता है उसे हम बीटिंग द रिट्रीट के नाम से जानते हैं। 25 जनवरी 2020 को किस राज्य का स्थापना दिवस था? तो इस राज्य ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया था, और राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। इसके एक दिन अगर आप पहले जाएंगे यानी कि 24 जनवरी को, तो उस दिन उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस होता है। 30 मार्च को राजस्थान ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, और 1 अप्रैल को उत्कल दिवस यानी कि उड़ीसा ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट में भारत का सबसे साफ शहर कौन था? तो ग्रीन पीस इंडिया की जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार भारत का सबसे दूषित शहर था झरिया, जो कि आपको मिलेगा
झारखंड में। लेकिन अगर सबसे साफ शहर की बात की जाए तो वो था लुंगलेई, जो कि आपको मिलेगा मिजोरम में। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट और आई थी एयर क्वालिटी के संबंध में, जिसका नाम था, जिसे जारी किया था IQ एयर एयर विजुअल ने। उसमें दुनिया का सबसे जो प्रदूषित शहर था वह था उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद। कौन सा? उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद। और सबसे ज़्यादा प्रदूषित देशों की बात करें तो बांग्लादेश पहले स्थान पर था, भारत का स्थान था पाँचवा, भारत पाँचवें स्थान पर था। CM कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत कितने रुपए की सहायता दी जाएगी? तो ये जो CM कृषक दुर्घटना कल्याण योजना है, ये शुरू की है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। अब यहाँ पर अगर कोई किसान खेत में कार्य करते हुए उसकी डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। और अगर वो 60% से ज़्यादा दिव्यांग हो जाता है तो उससे के परिवार को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार की ये योजना है। किस कंपनी द्वारा $300 मिलियन में ऊबर ईट्स का अधिग्रहण किया गया? तो ऊबर ईट्स जो कि एक खाना प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है, यानी कि जो आपकी मील को डिलीवर करती है, तो इसका अधिग्रहण किया है जोमैटो ने। किसने? जोमैटो ने इसका अधिग्रहण किया है। फीबा का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो फीबा का जो महिला विश्व कप होगा उसकी अभी घोषणा हुई है कि इसका आयोजन किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। फीबा का पूरा नाम है इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के मीस शहर में। कहाँ पर? मीस, जो कि है स्विट्जरलैंड में, यहाँ पर मुख्यालय है फीबा का। विश्व आर्थिक मंच के प्रमुख कौन है? तो ध्यान रखिएगा, विश्व आर्थिक मंच के वर्तमान में अध्यक्ष और इसके संस्थापक एक ही व्यक्ति हैं, इनका नाम है क्लाउस स्वाब। क्या नाम है? इनका नाम है क्लाउस स्वाब। और इसका मुख्यालय कहाँ पर मिलेगा? क्लॉग्नी, जो कि जिनेवा में ही है। तो जिनेवा अगर आपको ऑप्शन में मिलता है तो जिनेवा भी सही होगा, अगर क्लॉग्नी ऑप्शन में मिलेगा तो क्लॉग्नी भी सही होगा। रत्चानोक इंतानन किस खेल से संबंधित हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये थाईलैंड के खिलाड़ी हैं, और अभी जो मलेशिया मास्टर टूर्नामेंट हुआ था 2020 का, उसे जीता था रत्चानोक इंतानन ने महिलाओं के लिए, और ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। और इन्होंने हराया किसे था? कैरोलिना मारिन को। तो ये हमारे रहे क्विज के सारे प्रश्न। कितने आपने सही किए हुए आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। भारत ने किस देश को ऑपरेशन संजीवनी के अंतर्गत 6.2 मिलियन टन की दवाएं प्रदान की? तो भारत ने प्रदान की है ये दवाएं मालदीव को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। भारतीय वायुसेना का एक विमान है जिसका नाम है हरक्यूलिस C-130J। तो इसके माध्यम से बहुत सारी दवाइयां थी, मेडिकल इक्विपमेंट थे, और जो हमारे मास्क होते हैं, ग्लव्स होते हैं, इनकी सप्लाई की गई भारत सरकार के द्वारा मालदीव को। इससे पूर्व मार्च 2020 में मालदीव में एक वायरल प्रयोगशाला की स्थापना के लिए भारत ने 14 सदस्यीय टीम भी भेजी थी। 30,000 CC भेजी थी किसकी? मीजल्स और रुबेला के लिए। किसके लिए? मीजल्स और रुबेला के लिए भारत ने। तो भारत काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है मालदीव का। मालदीव की बात करें तो राजधानी यहाँ की माले है, राष्ट्रपति यहाँ के हैं इब्राहिम मोहम्मद सालेह। तो ये आप लोकेशन देख सकते हैं मालदीव की। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने स्वास्थ्य कर्मियों को परिवहन की सुविधाएं प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, जिसकी स्थापना हुई थी 2018 में, किसके लिए? जो हमारे यहाँ पर आयुष्मान भारत इनिशिएटिव है उसको लागू करने के लिए। तो इन्होंने अभी समझौता किया है उबर के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो उबर कंपनी आपने सुना होगा, जो कि जहाँ पर आप कैब बुक कर सकते हैं, कहीं पर आ जा सकते हैं, तो इसके द्वारा 150 कारें उपलब्ध कराई जाएंगी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, यानी कि जो COVID-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में लगे हुए हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उबर फ्री में 150 कारें उपलब्ध कराएगा। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं स्वास्थ्य मंत्री, यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन। किस भारतीय कंपनी द्वारा COVID-19 से निपटने के लिए इंट्रानेजल टीका, यानी कि कोरोफ्लू का निर्माण किया जाएगा? तो कोरोफ्लू नाम का जो टीका होगा इसका निर्माण करेगी भारत बायोटेक कंपनी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब भारत बायोटेक कंपनी विस्कॉन्सिन मेडिसिन विश्वविद्यालय और अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है फ्लोजन कंपनी। तो इसके जो भी वायरस विज्ञानी हैं उनकी मदद के साथ में कोरोफ्लू नाम के टीके का निर्माण करेगी। तो इन्होंने टारगेट रखा है कि हम लगभग 300 मिलियन टीके का निर्माण करेंगे और इसे पूरी दुनिया में भी वितरित करेंगे।
बात करते हैं अगर हम फ्लूजन कंपनी की, तो इसने एक फ्लू की दवा बनाई थी और जो फ्लू की दवा थी जिसका नाम था M2SR, तो इसी के आधार पर ये जो कोरोफ्लू टीका है इसका निर्माण किया जाएगा। भारत बायोटेक कंपनी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। भारत सरकार ने COVID-19 से मुकाबले के लिए किस बैंक से $6 बिलियन के ऋण लेने का निर्णय लिया? तो भारत ने ये निर्णय लिया है दो बैंकों से। अभी भारत सरकार ने $1 बिलियन ऋण लेगी किससे? विश्व बैंक से। हाँ, विश्व बैंक का कल मैंने मुख्यालय आपको गलत बता दिया था, मुंबई बता दिया था, तो आप सबको पता होगा Washington DC में है। इस समय थोड़ा सा मानसिक थकान ज़्यादा है, इसीलिए कई बार पता नहीं चलता मैं क्या बोल रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ, तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। हाँ, बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। भारत सरकार ने COVID-19 से मुकाबले के लिए किस बैंक से $6 मिलियन का ऋण लेने का निर्णय लिया है? तो ये ऋण लेगा AIIB और एशियाई विकास बैंक से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। AIIB की बात करें तो इसका पूरा नाम है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। स्थापना हुई थी 16 जनवरी 2016 को। मुख्यालय इसका है बीजिंग में और अध्यक्ष इसके हैं जिन लिख्युन। वहीं पर एशियाई विकास बैंक के बारे में मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं। इन्होंने अभी भारत के GDP की प्रोजेक्शन की है जो कि किया है 4% वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए। स्थापना हुई थी इसकी 19 दिसंबर 1966 को। इसके अध्यक्ष हैं मसासुगु असाकावा और इसका जो मुख्यालय है वह आपको मिलेगा फिलीपींस की राजधानी मनीला में। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, तो प्रत्येक वर्ष कहना यहाँ पर उचित नहीं होगा क्योंकि यह दिवस पहली बार मनाया जा रहा है, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को। तो इस बार पहली बार यह दिवस मनाया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पिछले साल बहरीन ने एक प्रस्ताव लाया था, बहरीन देश के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, जिसका नाम था प्रमोटिंग द कल्चर ऑफ पीस विथ लव एंड कॉन्साइंस। तो इस प्रस्ताव को पारित किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जुलाई 2019 में और उसी समय 5 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। अब ये दिवस मनाया क्यों जाएगा? जिससे लोग अपना आत्मचिंतन कर सकें, यानी कि अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुने और उस आवाज़ के माध्यम से क्या चीज़ें सही हैं या फिर क्या चीज़ें गलत हैं उनका निर्धारण करें और उसी के अनुसार एक्शन लें, यानी कि लोग सही कार्य करें। तो 2020 में पहली बार ये मनाया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा किस रेल कोच फैक्ट्री में कम लागत वाले जीवन वेंटिलेटर का निर्माण किया जा रहा है? तो भारतीय रेलवे निर्माण कर रही है पंजाब के कपूरथला में जो रेल फैक्ट्री है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि भारत की वर्तमान में क्षमता है 40,000 वेंटिलेटर की और जब कोई भी COVID-19 का पेशेंट स्टीम लेवल पर पहुँचता है तो उसे आवश्यकता होती है वेंटिलेटर की, क्योंकि उसके लंग्स ठीक से काम नहीं करते हैं जिससे वह सांस नहीं ले पाता है, तो इसीलिए वेंटिलेटर की आवश्यकता है। तो भारतीय रेलवे कपूरथला में बना रही है 10,000 रुपये की लागत से। इसके अलावा कई अन्य संस्थाओं के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे कि IISc है ये भी बना रही है, उसके अलावा IIT कानपुर है। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है इसके बारे में क्योंकि बहुत सारी भारत की कंपनियां बना रही हैं तो परीक्षाओं में इसके पूछे जाने की संभावना कम ही है। भारत में आपको कुल 3 रेल कोच फैक्ट्री मिलेंगी। एक तो है इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री जो कि है चेन्नई में, दूसरी है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में और फिर एक है मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो कि आपको मिलेगी राय बरेली में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अप्रैल 2020 में विश्व में पहली बार किस देश में एक बाघ कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ? तो ये बाघ संक्रमित हुआ है अमेरिका में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अमेरिका में एक राज्य है जिसका नाम है न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में आपको एक चिड़ियाघर मिलेगा जिसका नाम है ब्रोक्स। तो ब्रोक्स चिड़ियाघर में एक 4 वर्षीय मादा बाघ थी जिसका नाम था नादिया। तो नादिया का टेस्ट हुआ तो पता चला कि यह कोरोना वायरस से संक्रमित है। हालांकि WHO ने जो अभी हाल ही में अपनी रिपोर्ट जारी की है उसमें इन्होंने ये बताया है कि जो कोरोना वायरस है वह हवा के माध्यम से नहीं फैलता है। तो अब इसकी जाँच की जा रही है कि यह जो बाघ नादिया है यह कैसे कोरोना वायरस से संक्रमित हुई है। इससे पहले आपको ध्यान रखना है कि हांगकांग में एक पालतू कुत्ता था, वह भी कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ था। तो अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे पशु हैं तो आप उनकी भी थोड़ी देखभाल जरूर करें। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने COVID-19 के टेस्ट के लिए किस रोग से संबंधित TrueNOT MTB टेस्ट को मंजूरी दी?
तो यहाँ पर ICMR ने कहा है कि COVID-19 का अगर आप टेस्ट करना है तो आप इस टेस्ट को भी कर सकते हैं। और ये टेस्ट किसका है? तपेदिक यानी कि टीबी का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब भारत में या दुनिया के अन्य स्थानों पर जो भी COVID-19 के लिए टेस्ट किए जा रहे हैं उसमें RT-PCR मशीन का उपयोग किया जा रहा है, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टीज पॉलीमराइज चैन रिएक्शन या फिर रियल टाइम पॉलीमराइज चैन रिएक्शन। टेस्ट के कई सारे तरीके भी हैं, तो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। लेकिन अब ICMR ने कहा है कि ट्रू नॉट टेस्ट का उपयोग भारत में किया जा सकता है कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए। अब ये कैसे काम करेगा इसके बारे में तो अभी आइडिया नहीं है। बात करते हैं अगर हम लोग ट्रू नॉट टेस्ट की, तो इसका प्रयोग किया जाता है जो दवा प्रतिरोधी यानी कि ड्रग रेजिस्टेंस टीबी होता है। ड्रग रेजिस्टेंस मतलब क्या? यानी कि ऐसी टीबी जिसके ऊपर दवा का कोई भी असर नहीं होता है, तो इसको हम कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। तो इसी के पता लगाने के लिए भारत के द्वारा इसे डेवलप किया गया था। भारत में वर्तमान में कुल 800 ट्रू नॉट MTB मशीनें हैं और इनकी खास बात यह है कि ये न्यूनतम 60 मिनट में अपनी रिपोर्ट दे देती हैं। तो इसीलिए ICMR के द्वारा इसे रिकमेंड किया गया है। किस महान बास्केटबॉल खिलाड़ी को अमेरिका के नाई स्मिथ बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो इनका नाम है कोबे ब्रायंट, जिनका जनवरी माह में निधन हुआ था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कोबे ब्रायंट अमेरिका के प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी थे और जनवरी 2020 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका निधन हुआ था। उपनाम इनका क्या था? ब्लैक मांबा। ब्लैक मांबा क्या होता है? तो ये एक सांप की प्रजाति होती है जिसे वर्तमान में दुनिया के सबसे जहरीली सांप की प्रजाति माना जाता है। तो यहाँ पर न केवल कोबे ब्रायंट को शामिल किया गया है बल्कि 8 अन्य खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है, लेकिन फिलहाल आपको कोबे ब्रायंट का नाम याद रखना है। तो ये आप देख सकते हैं कोबे ब्रायंट, ये है इनकी बेटी। तो इनकी बेटी का भी निधन इन्हीं के साथ में उस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत कटौती के अध्यादेश को मंजूरी दी? तो यहाँ पर मंजूरी दी गई है कि अगले एक वर्षों में जो हमारे ये सारे संवैधानिक पद हैं इनके वेतन में 30% की कटौती की जाएगी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो यहाँ से जो राशि एकत्रित होगी उसे आर्टिकल 266 के अंतर्गत जो हमारे यहाँ पर संचित निधि है उसमें जमा किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी घोषणा की गई है कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है इसके अंतर्गत सांसदों को जो 5 करोड़ रुपए मिलते थे प्रत्येक वर्ष, उसे भी 2 वर्षों के लिए उन्हें नहीं दिया जाएगा। MPLADS स्कीम की बात करें, MPLADS स्कीम तो इसकी शुरुआत की गई थी 1993 में। और इसके अंतर्गत होता क्या है? जो भी सांसद हैं, जैसे कि 543 लगभग हमारे लोकसभा में, 250 है राज्यसभा में, तो इन सभी को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष दिए जाते, 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष दिए जाते हैं कि ये अपने एरिया का डेवलपमेंट कर सकें। तो ये भी 2 वर्षों के लिए रोक ली गई है केंद्र सरकार के द्वारा। BCG वैक्सीन यानी कि बैसलेस कालमेट ग्यूरिन किस बीमारी से संबंधित है? तो BCG वैक्सीन की बात करें तो ये संबंधित है तपेदिक से यानी कि टीबी से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और BCG वैक्सीन की बात चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी MD एंडरसन कैंसर सेंटर के द्वारा एक शोध किया गया और इन्होंने ये बताया कि जिस देश में BCG वैक्सीन का यूज किया जाता है वहाँ पर COVID-19 का प्रभाव कम है। तो ये रिकमेंड की जा रही है कि BCG वैक्सीन का भी यूज़ किया जाए COVID-19 के इलाज में। आप देखेंगे मतलब दुनिया की कोई ऐसी दवाई नहीं है जिसका उपयोग COVID-19 के लिए ना किया जा रहा हो। मतलब दवाई नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मिले वो करते जाओ। तो कुछ इसी प्रकार से ये रिकमेंड किया गया है, BCG वैक्सीन का यूज़ कर सकते हैं, ये तपेदिक से संबंधित है और हमारे देश में जन्म के समय बच्चे को ये टीका लगता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। COVID-19 के टेस्ट के लिए होम स्क्रीनिंग टेस्ट किट बनाने वाली पहली कंपनी कौन बनी? तो पहली कंपनी यहाँ पर बनी है बायोन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बायोन कंपनी जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में, तो इनके द्वारा एक टेस्ट किट का निर्माण किया गया है। इस टेस्ट किट को आप घर पर लाएंगे, घर पर लाने के बाद में अपना थोड़ा सा हाथ वाथ अच्छे से हाइजीन करने के बाद में आप इसका उपयोग कर सकते हैं और ये आपके ब्लड टेस्ट को ब्लड के माध्यम से टेस्ट करेगा। तो ये एक प्रकार से स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इन्होंने ये भी रिकमेंड किया है कि अगर आपको बेहतर टेस्ट कराना है तो आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। तो इस किट की कीमत लगभग 2,000 से 3,000 रुपये रहेगी और हो सकता है कि आगे आपको ये ऑनलाइन मिल जाए। तो इसके माध्यम से 5-10 मिनट में ये पता चल जाएगा कि क्या आप कोरोना वायरस से संक्रमित हैं या फिर नहीं है।
किस भारतीय टेक कंपनी द्वारा कोविड 19 कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई? तो ये स्थापना की गई है HCL कंपनी के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। HCL कंपनी ने नोएडा जिला प्रशासन, नोएडा की जो पुलिस है और वहाँ का जो स्वास्थ्य प्राधिकरण है उसके साथ मिलकर के नोएडा जहाँ पर HCL का मुख्यालय है वहाँ पर इसकी स्थापना की है। तो कोरोना वायरस के बारे में अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप इस कोविड 19 कंट्रोल सेंटर के माध्यम से उनके जवाब जान सकते हैं। HCL टेक्नोलॉजीज की बात करें तो स्थापना इसकी हुई थी 11 अगस्त 1976 को। स्थापक, संस्थापक और इसके अध्यक्ष दोनों हैं शिव नदार। पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मान मिलेगा उड़ीसा के CM नवीन पटनायक जी को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बात करते हैं कि यह पुरस्कार पेटा इंडिया देगी क्यों इन्हें, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे देश में लॉकडाउन की घोषणा हुई थी 21 दिनों के लिए और इस 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान जो हमारे पशु हैं यानी कि जो रोड पे चलते हैं उनको खिलाने के लिए 54 लाख रुपए आवंटित किए गए थे नवीन पटनायक जी के द्वारा मुख्यमंत्री राहत निधि से। तो इसीलिए यहाँ पर पेटा ने यह निर्णय लिया है कि वह नवीन पटनायक जी को सम्मानित करेगी। पेटा की बात करें तो इसका पूरा नाम है प्यूपिल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। स्थापना इसकी 22 मार्च 1980 को हुई थी। मुख्यालय है नॉरफोल्क USA में और अध्यक्ष इसके हैं इंग्रिड न्यूकर्ग। पेटा के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि इन्होंने पिछले वर्ष पर्सन ऑफ द ईयर चुना था जोकिन फिनिक्स को, जो कि जोकर मूवी के अभिनेता हैं और उन्हें इस वर्ष ऑस्कर गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिले हैं। और भारत के लिए पेटा पर्सन ऑफ द ईयर कौन थे? तो ये थे भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान कप्तान विराट कोहली। तो ये आप देख सकते हैं नवीन पटनायक जी को। शांति व विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 6 अप्रैल को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि शांति और विकास के बढ़ावा देने के लिए या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और विकास को बढ़ावा देने के लिए खेलों का क्या महत्व है। तो इसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अगस्त 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी और इसको अपनी सहमति दी थी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2014 में। और ये दिवस 6 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? तो यह दिवस 6 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1896 में इसी दिन पहले ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी एथेंस में। और ध्यान रखिएगा 2020 में जो ओलंपिक होना है उसे टाल दिया गया है 2021 के लिए। 2022 में फिर शीत ओलंपिक होंगे चीन के बीजिंग में। 2024 में ग्रीष्म ओलंपिक होंगे पेरिस में। उसके बाद में 2026 में शीत ओलंपिक होंगे इटली के मिलान और कोर्टिना में। और 2028 में विंटर ओलंपिक कहां पर होगा? तो ये आयोजित किया जाएगा 2028 में समर ओलंपिक होगा जो कि आयोजित किया जाएगा USA के लॉस एंजल्स में। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का एक सम्मेलन होना है 2022 में और वो किया जाएगा भारत में 2022 में 2023 में। तो वो होगा भारत के मुंबई शहर में। 6 अप्रैल 2020 को जैन धर्म के किस तीर्थंकर की जयंती संपूर्ण भारत में मनाई गई? तो ये जयंती मनाई गई है भगवान महावीर की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। भगवान महावीर के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, 24वें और अंतिम थे, यानी कि इनके बाद कोई भी तीर्थंकर नहीं हुआ है जैन धर्म का। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व बिहार में हुआ था और 2020 में इनकी 2618वीं जयंती थी। पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभनाथ जी पहले तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक है बैल और महावीर, भगवान महावीर जी का तीर्थंकर ओ प्रतीक क्या है? तो ये इनका है शेर। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है दूसरे तीर्थंकर थे अजीतनाथ जी और तीसरे थे संभव नाथ जी। तो आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है जिनके उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। जिंगा मिनल्यू किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रमुख हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का विषय क्या है जो कि दिल्ली में आयोजित किया गया था? टाटा पावर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? डबलिन किस देश की राजधानी है? और SIL इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट निकाली थी कि कौन सी भाषाएं कितनी ज़्यादा बोली जाती हैं, तो आपको बताना है इसमें बांग्ला किस स्थान पे था, यानी कि जो बांग्ला भाषा है वह किस स्थान पे है, ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। और आपको एक चीज़ बता दूं कि जो मंथली करंट अफेयर है वो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग कवर करें और 30 से 40 मिनट में ही एक पूरे मंथ का वीडियो हो जाए। तो उसमें हम लोग MCQ के फॉर्म में डिस्कस नहीं करेंगे, वहाँ पर हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे।
थोड़े थोड़े टॉपिक में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं केवल उन्हीं को डिस्कस करेंगे, तो मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ और कोशिश करेंगे कि अगले 3 से 4 दिनों में आपको जनवरी माह, उसके बाद में फरवरी और फिर मार्च का करंट अफेयर मिल जाए, जिसे आप परीक्षा के समय बेहतर ढंग से यूज़ कर सकें। और उसकी क्विज आपको ऐप पर मिल जाया करेगी, तो ऐप पर जाकर के आप क्विज भी दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।